This class is for class 7. I am going to discuss question answer of the chapter 4, chemicals and chemical changes. So first is objective type questions. One, choose the correct option. The smallest particle of a substance is called atom. Okay, so when we break any substance or matter, firstly generally we get molecules. After breaking molecules, we get atom. Okay, atom, an atom. B is the correct option. Number two, the which one of the following is symbol of an element? Element means single atom. By atom, the molecule which is made by same type of atom. This B, calcium. Number three, which one of this symbol is not of an element? That is carbon dioxide. Carbon dioxide kya hoga? Compound hoga. Alag alag atom se bana hua hai. Number 4, changes in which new substance with different properties are formed are called chemical changes. Chemical changes. It is also known as irreversible changes. Two options here are correct actually. Okay, but the perfect one is chemical changes. B is the right answer. The gas which turns lime water milky, that is carbon dioxide. Okay, जैसे lime water में अगर हम लोग फूंकते हैं ना पाइप से तो milky हो जाता है. Due to carbon dioxide reaction होता है ना. बताया था कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, लाइम वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन होकर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट. कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? चूना होता है, तो मिल्की हो जाता है, वाइट कलर हो जाता है. उसके बाद नंबर टू, मैच द फॉलोइंग. इसमें ऐसा दिया हुआ है, मोनो एटॉमिक डायटोमिक, डाया मतलब टू, डायटोमिक, ट्रेट्राटोमिक, ट्रेट्रा मीन्स फोर एटोमिक, मैग्नेशियम ऑक्साइड, मैग्नेशियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सॉरी नॉट ऑक्साइड, क्लोराइड. सो मोनोटोमिक मीन्स हियर हीलियम. हीलियम मैंने बताया था, सिंगल फॉर्म में रहता है. डायटोमिक दैट इज H2 हाइड्रोजन. ट्रेट्राटोमिक, ट्रेट्रा मीन्स फोर, P4. मैग्नेशियम ऑक्साइड दैट इज MgO. सोडियम क्लोराइड दैट इज NaCl. सोडियम क्लोराइड दैट इज मैग्नेशियम ऑक्साइड. ओके, नेक्स्ट बी, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. राइट द सिंबल फॉर द फॉलोइंग. एल्युमिनियम, एल्युमिनियम नंबर वन, एल्युमिनियम दैट इज Al. नंबर टू फ्लोरिन दैट इज F. नंबर थ्री बेरियम दैट इज Ba. Ba बोरोन में कंफ्यूजन होता है, बोरोन में खाली बी होते हैं. हियर नंबर फोर इज पोटेशियम, पोटेशियम इज K. ओके, नंबर फाइव आयोडीन दैट इज I. नंबर सिक्स निकल दैट इज Ni. ओके, नंबर सेवन हीलियम दैट इज He. नंबर एट हाइड्रोजन दैट इज सिंगल हाइड्रोजन H. क्वेश्चन नंबर सी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. नंबर वन, डिफरेंस बिटवीन एन एटम एंड मोलिकुल. मोलिकुल मीन्स मेड बाय टू और मोर एटम. एटम मीन्स सिंगल. ओके, नंबर टू स्टेट मेजर डिफरेंस बिटवीन ए कंपाउंड एंड मिक्सचर. कंपाउंड, कंपाउंड मीन्स प्योर सब्सटेंस. मिक्सचर मीन्स वी हैव सब कंपोनेंट, बट अमंगस्ट दैट कंपोनेंट देयर इज नो केमिकल रिएक्शंस. व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी का डेफिनेशन देना डिफिकल्ट होता है. तब भी वैलेंसी मतलब कितना बॉन्डिंग फॉर्म कर रहा है, बा कितना इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी. ओके, गिव द वैलेंसेज ऑफ द फॉलोइंग. ऑक्सीजन का टू होता है, हाइड्रोजन का वन, सोडियम का वन, मैग्नीशियम का टू, क्लोरीन का वन. मैंने डिटेल्स बताया था. नंबर फोर, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एलिमेंट एंड कंपाउंड. वाटर दैट इज कंपाउंड, नाइट्रोजन दैट इज एलिमेंट. नाइट्रोजन सिर्फ नाइट्रोजन एटम से बना, दैट इज एलिमेंट. कार्बन एलिमेंट, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, मेड बाय हाइड्रोजन क्लोराइड दैट इज कंपाउंड.
magnesium element, aluminium oxide compound, calcium carbonate compound. Compound means made by different atom. A single atom ba ekita atom se bana hua, that is called element. Number 5, what are two essential conditions for rusting? Essential condition of rusting. Rusting hone ke liye aapko water chahiye and oxygen present hona hai. The essential condition is air should be there and water moisture should be there. Water moisture should be there. How does oiling of iron prevent rusting? जैसे हम लोग oil लगाते हैं या color कर देते हैं तो क्या होता है? आपका जो सरफेस होता है सरफेस वाटर का एक्सपोज में नहीं आता है पर एयर का एक्सपोज में नहीं आता है देन देयर विल बी नो रिएक्शन नो केमिकल रिएक्शंस तो रस्टिंग प्रोसेस को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं प्रिवेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑयलिंग गैल्वेनाइजिंग मेकिंग एलॉय एलॉय भी बनाते हैं जैसे टीना है ऊपर जो चमकता है ना उसमें मतलब गैल्वेनाइज जिंक का ले पॉलिश किया जाता है ठीक है Why does the cut surface of brinjal turn brown? मतलब जैसे काट देते हैं हम लोग brinjal को एयर के brinjal का brinjal में एक एलिमेंट है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कुछ और बन जाता है तो केमिकली चेंज हो जाता है ब्राउन कलर हो जाता है सो 7 नंबर वाटर क्रिस्टल हाउ कैन द क्रिस्टल ऑफ सोडियम क्लोराइड बी प्रिपेयर फ्रॉम कॉमन सॉल्ट ओके ये क्वेश्चन बुक में दिया हुआ है क्रिस्टल मतलब जब हम लोग कोई मेल्ट कोई सॉल्यूशन है उसको अगर हम लोग वाटर को रिमूव कर देते हैं तो हम लोग वापस सॉल्ट मिलता है क्रिस्टल फॉर्म में ठीक है क्रिस्टल फॉर्म मतलब मोलिकुलर अरेंजमेंट रेगुलर होता है क्रिस्टल में अरेंजमेंट मोलिकुलर अरेंजमेंट पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है दैट आर रेगुलर ओके तो सॉल्ट से अगर हम लोग वाटर वेपर को अगर हम लोग रिमूव करते हैं वाटर उसको बोलते हैं एनहाइड्रस को रिमूव करते So that become what? Again, original solid salt. And that is also called what? Crystal. Number D, long answer questions. What is the difference between H2 and H2O? H2 हो गया element, H2O हो गया compound. एक hydrogen gas है, जो element है, और एक water है, जो कि compound है. और hydrogen gas gases form में रहता है, and water liquid form में रहता है. Number 2, C is the symbol of carbon. What else does it represent? It is an element. Carbon single form मतलब element. Balance the following equations. ये तो थोड़ा सा difficult है. तभी मैंने समझा है. Concept है तो आप आराम से कर पाओगे. तो number A, CH4 इसको methane बोलते हैं. Carbon का valency 4 है, hydrogen को 1 है, इसलिए CH4 है. CH4 methane gas ये fuel है type का. Oxygen के presence में अगर burn होता है, तो produce होता है CO2 plus H2O. अभी देखो इस साइड में हाइड्रोजन है 2, 4 और इस साइड में 2 हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हम लोग देख लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम 2 देते हैं तो हाइड्रोजन कितना हो गया 4 इस साइड में ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे हो गया 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन हो गया टोटल ऑक्सीजन कितना है 4 ऑक्सीजन इस साइड में ऑक्सीजन कितना है 2 है ऑक्सीजन कितना है 2 तो यहाँ पे हम लोग 2 दे दिया तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 4 ऑक्सीजन हो गया तो बैलेंस हो गया नाउ द नंबर ऑफ कार्बन इज हियर 1 तो बैलेंस इक्वेशन क्या हो गया CH4 2 प्लस 2O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस 2H2O ओके नंबर बी Na2O Na2 क्यों हुआ कि सोडियम का वैलेंस 1 है ऑक्सीजन का 2 है प्लस वाटर सोडियम ऑक्साइड दिस वाज सोडियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर तो क्या फॉर्म होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्सीजन 2 है सोडियम 2 है हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पे 2 देने से हो जाएगा उस साइड में सोडियम 2 इस साइड में सोडियम 2 उस साइड में ऑक्सीजन 2 यहाँ पे ऑक्सीजन 1+1 2 वहां पे हाइड्रोजन 2 हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया सिंपल नंबर सी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl लाइम वाटर भी बोलते हैं इसको लाइम वाटर सिलिकेट लाइम तो दिस इज कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O
अभी देखो यहाँ पे कैल्सियम टू की हुआ क्लोरीन, कैल्सियम के वजन से टू है, क्लोरीन का वन है, इसलिए एक कैल्सियम कितना क्लोरीन को रख सकते हैं, दो कैल्सियम दो क्लोरीन को रख सकते हैं, सो इस साइड में कैल्सियम वन है, भी वन है, यहाँ पे हाइड्रोजन टू है और यहाँ पे वन है, थ्री हो गया हाइड्रोजन, ओके थ्री हाइड्रोजन होंगे, थ्री हाइड्रोजन ऑक्सीजन टू उधर ऑक्सीजन टू, सो यहाँ पे अगर हम टू देते हैं तो हाइड्रोजन टू प्लस टू टू और यहाँ पे टू फोर, वहाँ पे टू देना पड़ेगा, यस करेक्ट राइट नाउ। तो एक बार देख लेते हैं, क्लोरीन यहाँ पे टू हो गया, यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे कैल्सियम वन है, यहाँ पे कैल्सियम वन है, हाइड्रोजन टू है, यहाँ पे टू फोर और वहाँ पे फोर हाइड्रोजन होते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन टू, वहाँ पे ऑक्सीजन टू, करेक्ट। नंबर डी, एन ए प्लस वाटर दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एस टू, यहाँ पे सोडियम है क्या, वहाँ पे भी वन है, ऑक्सीजन वन है, वेट 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 वेट, यहाँ पे अगर हम टू देते हैं तो ऑक्सीजन टू, यहाँ पे टू देना पड़ेगा, इट मीन्स यहाँ पे हाइड्रोजन टू, यहाँ पे टू फोर हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे फोर हो गया ऑक्सीजन टू हो गया, यहाँ पे टू हो गया, यहाँ पे टू देना पड़ेगा, मतलब राइट हैंड साइड इस साइड में टोटल एटम का नंबर, यहाँ पे एटम का नंबर इक्वल होना है। नंबर ई, नंबर ई दैट इज सोडियम प्लस सी एल टू, इजी ये हो जाएगा एन एस सी एल, यहाँ पे टू देना पड़ेगा, यहाँ पे टू दे दो। इसके लिए थोड़ा वैलेंसी भी जानना जरूरी है, वैलेंसी जानोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशंस। नंबर फोर, नंबर ए आयरन प्लस ऑक्सीजन, आयरन मतलब Fe प्लस ऑक्सीजन O2 प्लस वाटर, वाटर सो ये तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ Fe2 O3 2H2, ओके टू नहीं सॉरी हाँ इतना ही है, ओके तो यहाँ पे टू दे दो, बैलेंस करना है, यहाँ पे टू देने से दो आयरन, यहाँ पे भी दो आयरन, हाइड्रोजन टू है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन टू है, ऑक्सीजन थ्री है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन थ्री है, ओके फाइन, ओहो हाँ ठीक है ठीक है, ओके फाइन। नंबर बी, नंबर बी विनेगर, विनेगर मतलब एसिटिक एसिड सी एस थ्री सी डबल ओ एच प्लस बेकिंग सोडा एन ए एच सी ओ थ्री इज इक्वल टू क्या होगा सी ओ टू प्लस एस टू ओ प्लस सी एस थ्री सोडियम एसिटेट एन ए, बैलेंस को देख लेना, ऑलरेडी रिएक्शन में बैलेंस नहीं करने से क्या होगा। नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड सी ओ टू प्लस सी ए ओ एच टू, ये तो बहुत ईजी है, क्या था सी ए सी ओ थ्री प्लस वाटर, ये रिएक्शन में लिखा है। नंबर डी, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, क्या होगा आयरन सल्फेट प्लस कॉपर निकाल जाएगा, रिलीज हो जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन आंसर ऑफ व्हाट चैप्टर फोर, ओके चैप्टर फोर कॉन्सेप्चुअल है, कंफ्यूजन से पूछना, ओके फाइन।